आपसी भाईचारे का प्रतीक ईद उल फितर का त्यौहार चंबा जिला में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ईद पर्व के अवसर पर चंबा के चौगान नंबर 5 व पकताला के मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की तथा एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने भी भाग लिया तथा आकर्षक पोशाकों में सुसज्जित होकर नमाज अदा करने पहुँचे थे। Now, what's up, ज्ञान? आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान, अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। पूरे 30 दिनों में रोजा की भूख और प्यास के अद्भुत एहसास के बाद ये खाने खिलाने का दिन होता है। बच्चे बूढ़े तथा जवान सभी नए नए कपड़ों में सजे हुए एक दूसरे से गले मिलकर ईद के मुबारकबाद देते हुए दिखाई देते हैं। ईद से पहले पूरा महीना सभी मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे रखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बिना कुछ खाए पिए वो इबादत में लगे रहते हैं। इमाम मोहम्मद यासीन रजा ने बताया कि सभी लोग ईद की नमाज अदा करते हैं। इस ईद पर हिंदुस्तान में सुख शांति की कामना की जाती है तथा सब परेशानियों से मुक्ति के लिए अल्लाह से अरदास भी की जाती है। उन्होंने कहा कि चंबा में खासकर सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर भाग लेते हैं। मैं सभी चंबा वासियों को, भारत वासियों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे आप लोग जानते हैं, गत वर्ष भी हमने चौगान नंबर 5 में ईद उल फितर की नमाज को अदा किया था। इस साल भी हमने ईद उल फितर की नमाज को चौगान नंबर 5 में अदा की और हमने हिंदू मुस्लिम भाईचारे और अपने भारतवर्ष की अखंड उसके लिए दुआएं मांगी और खुशहाली के लिए दुआ की। अब्दुल बशीर ने कहा कि ईद का दिन काफी खुशी का दिन होता है और ये ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पूरे 1 महीने तक रोजा रखने के बाद खुशी के साथ ईद का ये त्यौहार होता है और इसके बाद घर में मिठाइयां और अन्य मीठे व्यंजन भी बनाए जाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जाती है। मैं सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खासकर हमारे ज़िला चंबा के तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर और साथ ही साथ में हमारे हिंदू भाइयों को भी ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह आज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई और इसमें दूरदराज के लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं और इस ईद की नमाज जो ये अदा की जाती है वो एक तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने बंदों के लिए गिफ्ट है कि वो जमा हो कर के जो हम माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हैं उसके शुक्राने के तौर पर हम लोग मिल कर के एक नमाज अदा करते हैं जिसको हम ईद उल फितर कहते हैं और इसमें ख़ास कर हम अपने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के अमन अमान के लिए दुआ करते हैं और हमारे इलाके में जितने भी बीमार होते हैं उन तमाम के लिए दुआ करते हैं और एक दूसरे के साथ गले मिल कर के ईद की बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं और एक दूसरे को गले लगा करके हम ईद का त्यौहार मनाते हैं। क्या क्या बना होता सर ये दिन? माशाल्लाह जो ये ईद है हमारी, इस ईद में ख़ास जो भी बनता है वो ईद हमारी मीठी ईद है और इस ईद में जो कि है वो मीठी चीज़ें ही ज़्यादातर बनाई जाती है, जैसे सेवइयाँ बनाई जाती है और खीर वगैरह बनाई जाती है और दीगर बेशुमार चीज़ें बनाई जाती हैं। भरमौर से ओपी शर्मा की रिपोर्ट।